तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भी अपना CUET PG के लिए जो एडमिशन पोर्टल था वो ओपन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन निकला है वो 4 तारीख को निकला था। तो आप देख सकते हैं, आप देखेंगे कि किस दिन से इनका रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो रहा है और उसकी लास्ट डेट क्या है और फीस क्या है और कितनी सीट है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, नोटिस है, इंपोर्टेंट नोटिस। उसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर PG पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम 7/10/2022, यानी कि 7 अक्टूबर से इनका जो रजिस्ट्रेशन है PG पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट फर्स्ट सेमेस्टर का जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 तारीख से स्टार्ट हो गया है। और जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर PG पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 16 अक्टूबर। तो आप 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक इनके एडमिशन पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं। अब देखिए कि सीट कितनी है, तो आप अपने कोर्स के हिसाब से सीट देख सकते हो। और क्या कि हर कोर्स में यहाँ पर जो फाइनेंसिंग सीट भी दे रखी है, यानी कि कोई यदि स्टूडेंट पेड सीट लेना चाहता है तो वहाँ पर वो सीट भी दे रखी है हर कोर्स में। तो आप देख सकते होंगे किस कोर्स में कितनी सीट है। अब बात करते हैं हम MSc फिजिक्स के लिए, यानी कि कितनी सीटें यहाँ पर। तो बात करते हैं MSc फिजिक्स, देखिए 12 नंबर सीरियल पर है PG MSc फिजिक्स के लिए। यहाँ पर 33 सीट तो होंगी जो CUET PG के अंडर होगी, जो इनकी काउंसलिंग CUET के थ्रू होगी। और जो 5 सीट है उनमें सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है, यानी कि जहाँ पर जो पेड सीट है वो 5 है और 33 सीट है CUET के अंडर। अब देखिए आप अपने कोर्स के हिसाब से यहाँ पर हर को जो सीट है कि कितनी सीट है वो देख सकते हैं कोर्स के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर है डेट ऑफ रिमेंबर फॉर PG डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम 2022 और 2023 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में होगा। और जो डिस्प्ले ऑफ द फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि जो उनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 21 अक्टूबर को डिस्प्ले हो जाएगी। और जो पेमेंट ऑफ फीस अप टू, यानी कि जो जिन कैंडिडेट का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है उनको 24 अक्टूबर तक जो फीस है वो सबमिट करानी है। उसके बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 27 अक्टूबर को डिस्प्ले होगी। और जो पेमेंट होगा सेकंड लिस्ट का वो 30 अक्टूबर तक सेकंड मेरिट लिस्ट का फीस पेमेंट करना है। उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट है वो 3 नवंबर को जारी होगी और उसका जो पेमेंट है वो आप 6 नवंबर तक कर सकते हैं। अब वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रजिस्ट्रेशन 7 नवंबर से 2022, और जो प्रोग्राम एंड ये क्लासेज है स्टार्ट होगी वो 7 नवंबर की ये दे रखा है। अब आगे देखिए क्या जो इनकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रखा है वो देखिए क्या है। मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन इन PG डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफ स्टडी। आप अपने कोर्स के हिसाब से यहाँ पर जो इनकी क्राइटेरिया वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं MSc फिजिक्स के लिए, तो यहाँ पर ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स और इक्विलेंट ग्रेड इन बैचलर UG डिग्री इन नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रीम फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और ए इक्विलेंट एग्जामिनेशन, यानी कि जिन स्टूडेंट के 50% है ग्रेजुएशन में UG डिग्री में बैचलर में और नॉन मेडिकल में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, तो वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।